घंटे तक चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा त्योहार भी है हमारा, हमें उन्हें भी देखना है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग यही जो भी लीडर कर रहा है जुलूस का, वो अपना नाम पता यही लेके जाएंगे, वो बात करेंगे, थाने को अवगत कराएंगे। और अपनी एक कमेटी, मैंने बताया था अभी पहले भी, कमेटी बना लीजिएगा, 15-15 आदमी 20 हो जाए जो भी, और चेक करना हो उसको पता चला पी के वही झूम रहा है, ऐसा नहीं देंगे। ये ध्यान रखिएगा, फिर कार्रवाई भी होगी उसमें, क्योंकि अगर मौसम खराब करेगा कोई हमारे त्योहार को खराब करेगा, हम बता सकते होंगे। तो ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा इस चीज को भी। तो आप लोग पर्सनली, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जहाँ जुलूस निकल रहा है पहले से ही परमिशन लीजिए, उसके बाद जो है परमिशन के बाद कौन उसको नेतृत्व करता कौन है उसका वो बताएगा, और उसके साथ साथ कितने लोग होंगे उसमें। परमिशन किसी के लिए भी मनाही नहीं है, परमिशन सभी को मिलेगी, ये भी श्योर है हमारी तरफ से। तो आप लोग पर्सनली आइए, समस्या है वो हमें बताइए, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। ये मीटिंग किसी लिए रखी गई है, तो जो भी है समस्या वन बाय वन आप बता दीजिए, पुलिस और प्रशासन दोनों मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। और इसके अलावा जो जरूर मैडम लड़ी वाला जरूर ईशान कॉलेज करके चौक बाजार और सहाबा चौक से बोल रहे हैं सभी मंडी और वहाँ पर बस स्टैंड Thank you.